जल्दबाजी मत करना। एक रॉड को ए एक्सलरेशन से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, इसके दो पॉइंट देखो, इस किनारे पर सी कह दिया और इस किनारे पर डी। बताना है सी और डी के बीच में कितना ईएमएफ डेवलप होगा। यहां पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड दिया ही नहीं गया, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमने केवल मोशन देखा। अब ध्यान से देखिए, यह भी कह दिया गया है नेगलेक्ट ग्रेविटी, यह भी कह दिया गया है कि ग्रेविटी के लंबवत पड़ना। तो आप टेंशन में आ गए और आपको लगा, और मैंने भी मान लिया कि कुछ तो है, लेकिन क्वेश्चन सही है। अब सोचो, तो मैकेनिक्स का नाम सुना होगा, फिजिक्स में शुरू में पढ़ते थे, और उसमें न्यूटन थे बेचारे, बड़े मेहनती। उन्होंने आपको फोर्स बराबर एम ए बताए, उन्होंने ये भी कहा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब आप काम करते हैं तो सीरो फोर्स भी आता है। तो अब बताओ कि यदि ये मेटल के रॉड के भीतर में जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो सारे इलेक्ट्रॉन है सीरो फोर्स फील करेंगे, तो सीरो फोर्स फील करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? तो वो जो इलेक्ट्रॉन था फ्री इलेक्ट्रॉन ये एक्सलेशन से रॉड जा रहा है, और एनालिसिस करिए इन रॉड फ्रेम। तो वो जो इलेक्ट्रॉन था स्यूडो फोर्स के कारण जमा होने लगा इधर, तो जिधर से ये निकल करके आ रहा है उधर प्लस हो जाएगा, और जिधर ये जमा हुए उधर माइनस हो गया। तो एक मेटल के रॉड में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? एक, दो, तीन, चार या करोड़ों? इनफाइनाइट, बहुत से। अब ये बहुत से जो इलेक्ट्रॉन है जमा होने लगेंगे, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आया, दो इलेक्ट्रॉन आया, दस इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हैं, सौ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये सारे चिल्लाते हैं, भाई बहुत भीड़ हो गई, इधर आया तो टांग तोड़ दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। इसका मतलब है कि अब कुछ देर बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इधर आना चाहता है एम ए स्यूडो फोर्स के कारण, और उस पे ये जो ई इंटू ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो एम ए किसके बराबर कर देंगे हम, जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू चार्ज ई के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स बना। सर इलेक्ट्रिक फोर्स उधर बनेगा ये आपको कैसे पता? अरे प्लस उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, माइनस उसको धकेल रहा होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में राइट की तरफ होगा। तो स्यूडो फोर्स के ये बराबर हो गए, तो आपको ई का वैल्यू पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कैपिटल ई का। और जब ये गलती से पता चल गया तो आपको पता ही है ई इंटू एल यूनिफॉर्म फील्ड में, यदि ये एल लेंथ का रॉड है तो ई इंटू एल ही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, यही हो जाएगा सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एम ए बाई ई इंटू एल। मजे लो, जो ये डिटेल देख सकते हैं वो मजे लो कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, और न्यूटन यहाँ आ गया ईएमआई वाले चैप्टर में। सर ईएमआई कहे का ईएमआई चैप्टर? अरे चैप्टर के नाम छोड़ो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ऊपर में हेडिंग है मोशनल ईएमएफ, तो मोशन के कारण ये ईएमएफ आते, हमने देखा उस जगह जहां मेटलिक रॉड मोशन में था, एक्सलरेटेड मोशन में था, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं थे पहले, मोशन के कारण यहां सब कुछ हमने आते देखा। ये जो ईएमएफ आया उसमें डी हायर पोटेंशियल पे कहलाएगा, सी लोअर पोटेंशियल पे कहलाएगा। नेक्स्ट, यहां देखिए रॉड फिर से वही है,
लेकिन आज ये ओ पॉइंट के अबाउट आपने घुमाना शुरू किया ओमेगा कांस्टेंट, और ये एल लेंथ का रॉड, और आपको ईएमएफ बताना है इस एग्जांपल में ओ और पी के बीच, और यहां पर भी कहा गया है नेगलेक्ट ग्रेविटी, ये मेटालिक रॉड नेगलेक्ट ग्रेविटी, आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमा रहे हो सिरे के क्रॉस। तो सॉल्व करते वक्त फिर से कहानी पकाते हैं, सॉल्व करते वक्त इन रोटेटिंग रॉड फ्रेम, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और उस पे स्यूडो फोर्स जो लग रहा है फॉर द ई एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे जो देख रहे हैं तो याद करो एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये किसके बराबर हो जाएगा ई इंटू ई, तो ई का वैल्यू हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई ई। अब ये याद करो डी भी क्या लिखते थे, माइनस ई डी आर, ये माइनस प्लस तो भूल जाओ, आप तो मैग्नीट्यूड में काम करो। ये जो ईएमएफ आएगा ओपी के बीच ये कितना हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर और बाय ई डी आर, कहां से कहां तक, तो ये जीरो से आर तक, तो इंटीग्रेट करके ई ओपी कितना आ गया, इंटीग्रेट करके ई ओपी आ गया एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के जीरो से एल तक, जीरो से आर नहीं, जीरो से एल तक, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, और साथ में ये ई। तो अब ये जो मोशनल ईएमएफ हम लोग देख रहे हैं ये सबको नहीं दिखता, आपको दिखे तो ये बड़ी खुशी की बात, यहां कोई ईएमआई वाला आइडिया नहीं है, सिंपल मोशन, मोशनल ईएमएफ आपके मन में विचार आएगा कि सर हम लोग तो चैप्टर पढ़ रहे थे ईएमआई और आप भटका देते हो फिर से, कहानी तो वही है ना यार ईएमएफ। चलो बहुत देर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को बुला ही लेते हैं, इतने देर में नाराज हो गए तुम लोग, यहां देखो ये मैग्नेटिक फील्ड को भी बुला लिया, और अब आपके आंखों के सामने मैंने क्या किया कि यहां पर ये मेटालिक रॉड, इस रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन और मोशनल ईएमएफ में ही आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिख रहा है और ये वी स्पीड से रॉड को लेकर हम आगे चल रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमें एक याद आता है लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स में एफ होता था यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड है तो क्यू वी क्रॉस बी, मूविंग चार्ज पे ये दो, या चार्ज पे ये दो तरह के फोर्स हम देखते थे, एक मैग्नेटिक फील्ड से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो अभी हम केवल और केवल किसके बारे में एक बार सोच लेते हैं, पहले क्यू वी क्रॉस बी के बारे में। अच्छा, v क्रॉस b का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम कैलकुलेट करते हैं, v क्रॉस b का डायरेक्शन, v और b वेक्टर को देखेंगे, दोनों का पूंछ बांध देंगे, पूंछ मतलब टेल, v और b के, और v की तरफ राइट हैंड के फिंगर को रख के v की तरफ कर्ल करेंगे, देखेंगे थंब किधर का डायरेक्शन बताता है,
और वी क्रॉस बी जो होगा वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वी और बी जो होगा वी क्रॉस बी वो वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां हथेली को फ्लैट कर दो और वी की तरफ राइट हैंड के फिंगर को रखो और बी इनवर्ड है तो फिंगर को नीचे की तरफ यदि मोड़ोगे तो थंब आएगा लेंथ के अलोंग, थंब आएगा लेंथ के अलोंग। फिंगर देखो थंब को क्या करो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखो क्योंकि वी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड द प्लेन, उसके पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा थंब को। तो दो ऑप्शन है, या तो नीचे की तरफ थंब रखेंगे थंब्स अप करके कोका कोला वाला, या प्लेन में उस रॉड के पैरेलल ऊपर की तरफ। अब फिंगर को फ्लैट करके ये वी वेलोसिटी के डायरेक्शन में देखो और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड तो भीतर की तरफ मोड़ना है आपको, तो थंब किधर आएगा? पैरेलल ऊपर की तरफ अलोंग द लेंथ। तो आप यहां वी क्रॉस बी जो इस पे बनता और माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई से, तो वो किधर चला आएगा इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे नीचे जमा होने के लिए चला आएगा उस फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के कारण, और यदि नीचे आ गया तो ऊपर कौन होगा? प्लस। एक समय ऐसा आएगा कि नीचे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाएंगे, और यदि नीचे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाएंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन आने की सोचेगा तो ये कहेगा इधर आया तो टांग तोड़ दूंगा, बस काम खत्म, जाओ वहीं रहो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जब फाइनली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो सॉल्व करते वक्त आप क्या लिखेंगे? क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा? क्यू वी बी के बराबर हो जाएगा। साइन 90 तो है ही, मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया। ये जब ई आपको दिख गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इस सी और डी के बीच? तो ई सी और डी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एल, क्योंकि वो जो ई है वो कॉन्स्टेंट दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? बी एल वी हो जाएगा, बी एल वी हो जाएगा, ये मोशनल ईएमएफ का वैल्यू। आगे सर, यहां पर एक लाइन नीचे आप ये भी लिख सकते थे जो अभी आपने लॉरेंस फोर्स लिखा उसके नीचे, एट इक्विलिब्रियम क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये जो वेक्टर सम है इक्वल्स टू जीरो, तो हमें ई पता चल गया VB साइन 90 के, 90 डिग्री होने के कारण ये E बराबर VB दिख गया मैग्नीट्यूड वाइज। और कभी कभी इसका डिटेल ऐसे जाते हैं लेकर कि QE और जो इक्विलिब्रियम में देखते हैं एट इक्विलिब्रियम F बराबर QE प्लस QV क्रॉस B इक्वल्स टू जीरो, तो E बराबर हो जाता है माइनस V क्रॉस B, और हम DV पोटेंशियल डिफरेंस वाला भी क्या लिखते हैं? E डॉट DR। यदि लेंथ के अक्रॉस हम जा रहे हैं तो E डॉट DL माइनस E डॉट DL, और E के बदले वो माइनस माइनस प्लस हो गया, V क्रॉस B डॉट DL। तो कभी कभी आप DV को देखने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए मोशनल EMF में ये फॉर्मूला डिटेल भी अप्लाई करते हो। कभी कभी 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन बनाने में एक क्वेश्चन में ये डिटेल हम यूज करते हैं, V क्रॉस B डॉट DL। व्यक्तिगत में तो 500 क्वेश्चन में एक में यूज करता हूं, मतलब यूज करने की नौबत नहीं आती। V क्रॉस B डॉट DL, V क्रॉस B डॉट DL।
ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा रॉड के सिरों के बीच। सर वो पहले क्वेश्चन करवाया था सर आपने, वो ओमेगा सी घुमाया था, फिर से बोलो। इससे पहले क्वेश्चन करवाया था ना कि सर उसको ओमेगा से रोटेट कर रहे थे, हाँ देखो तो ये आपने ये फॉर्मूला लिखा है, इससे हो जाएगा सर? किससे? इसमें अभी लिखा है मैग्नेटिक ना फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, हाँ फिर सर। वो फॉर्मूले के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? यहाँ जो रास्ता बताया इसको दिमाग के अलग खोली में रखो। हाँ सर ठीक, हाँ यदि सर अब मैग्नेटिक फील्ड दे देता तो वही लगाते सर। हाँ, यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो रॉड तो ज्यादा कुछ मत लगाओ, सर ने कहा है बीएलवी अप्लाई कर दो। लेकिन एक और थोड़ा सा जो लफड़ा यहां ध्यान रखना है कि रॉड को यदि तुम ऐसे ले जाते तो क्या होता, थोड़ा अकल लगाओ तो। 0 हाँ सोचो, अब यदि ईएमएफ देखते रॉड में तो ध्यान से देखो जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर वी क्रॉस बी वाला जो फोर्स होता है एफ मैग्नेटिक, ये एफ मैग्नेटिक इधर ले जाना चाहता तो इधर जाने का तो कोई जगह है ही नहीं, तो जब जगह ही नहीं है तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप नहीं हो पाएगा। और दूसरे नजरिए से डीएल आप इधर लेते, वी क्रॉस बी इधर आ गया, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वी क्रॉस बी डॉट डीएल जब कैलकुलेट करते तो वो क्या हो जाता, वैसे ही 0 हो जाता। वी क्रॉस बी और डीएल में 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। अब इसको एक मूर्खों वाले रास्ते से बनाते हैं सर, वो क्या है? तो कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो गांव में घास काटना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये सोचो कि कभी धान के खेत में धान को लगा हुआ या गेहूं को लगा हुआ देखा है, और आपके हाथ में एक तलवार हो और उससे उस धान के एक कट करना हो लेयर को, तो यदि लेयर को कट करना होगा तो ध्यान से देखो यहां पर धान के पेड़ को देखो इस स्क्रीन पे, तो आउटवार्ड आते हुए देखो, और आउटवार्ड आते हुए इस धान के पेड़ या घास ऐसे जमीन से आगे ऊपर ग्रास आते हुए देखो, और यहाँ एक रॉड रखा, रॉड को एकदम तलवार की तरह देखो, और इसको यदि ऐसे ले जाओगे इस धानों के बीच में तो क्या कटेंगे ये धान के पेड़ या घास? तो नहीं यदि सर। घास या धान धान के पेड़ नहीं कट रहे तो ईएमएफ 0 होगा, कहानी खत्म। अब यदि इसके लिए बात करते हैं ये रॉड 1 के लिए, तो पहले तो रॉड 1 का देखो, यहां रॉड 2 का देखो, ये जो रॉड 2 देख रहे हैं इस रॉड 2 को हम ये ऐसे मूव करके ले जाते देख रहे हैं ऐसे थीटा एंगल पर रॉड से, तो इसके वेलोसिटी के क्या दो कंपोनेंट आपको दिखने लगे, वी यस कॉस थीटा और वी साइन थीटा? तो किसके कारण धान कटेगा, कॉस थीटा या साइन थीटा के कारण? तो सर, साइन थीटा। ईएमएफ 2 हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा। और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आप रॉड के परपेंडिकुलर जो देख रहे हैं ना, जो 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 है वही वेलोसिटी है जो धान को या घास को कट करने में हेल्प करता दिख रहा है। यदि ऐसा होता इसी धान के खेत में आपने एक सेमी सर्कुलर हंसुआ ले आए सर, वो क्या? अरे सेमी सर्कुलर कट करने के लिए, धान कट करने के लिए ये सेमी सर्कुलर हंसुआ ले आए, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है आर। अब यहां पी और क्यू के बीच में ईएमएफ हमें बताना है, ईएमएफ पी एंड क्यू, जबकि इस हंसुए को ऐसे ले जा रहे हो तो धान कटेगा या नहीं? कटेगा सर, और धान सेम ही तो आएगा सर कटेगा, जो पहले आया था वो। और धान जो कटेगा उसका ध्यान से देखिए वी एल बी एल वी
और एल कौन सा, एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2R, पी क्यू के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यदि इस सेमी सर्कुलर हसवा के बदले पी क्यू वाला रॉड लेके भी चलाते ऐसे, तो उतना ही धान कटता जितना ये हसवा साफ सुथरा कर देगा खेत को। और यदि ये सेमी सर्कुलर नहीं होकर एक वी शेप का हसवा लाते, तो ये 60 डिग्री, ये एल, ये एल, ये एम, ये एन, और ऐसे इन्हें ले जा रहे हैं वी स्पीड से, तो इसके एम और एन के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आता? सर वी और एन और एम के बीच की डिस्टेंस वी, एल इफेक्टिव हो जाता एल और वी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता 60 डिग्री है। हाँ सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एम एन के बीच का लेंथ भी आ जाता एल बी एल भी। और इन सारे केसेस में हायर पोटेंशियल पर कौन सा पॉइंट होता उसके बारे में देखते हैं। तो वी क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल से देखना नीचे की तरफ आएगा और माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाला जो सिरा आएगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का और नीचे वाला जो सिरा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा बैटरी का। ये तो मूव करने वाले रॉड है उसमें ईएमएफ है, मतलब वो एक बैटरी है, तो बैटरी में तो दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैसे डिसाइड करेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा है वो नेगेटिव टर्मिनल और उसके अपोजिट पॉजिटिव टर्मिनल। यहां देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि धान के उस खेत के भीतर जो आपने रॉड देखा उस रॉड को हमने घुमाना शुरू किया, ये यहां देखना आउटवर्ड लाइन, ये एल लेंथ का मेटालिक रॉड और ये धान के खेत के बीच में आपने ओमेगा से घुमाना शुरू किया, तो इसके बीच में इस रॉड के सिरे जो हैं ओ और पी, इसमें ईएमएफ कितना होगा? तो ध्यान से देखिए ओ और पी के बीच में यदि आपको ईएमएफ चाहिए तो डीटी टाइम में मान लो ये यहां से यहां चला आया, तो ये जो लेंथ आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा, ये लेंथ हो जाएगा एल, एल लेंथ है तो एल इनटू डेल्टा थीटा, ये आर्क लेंथ हो गया, आर्क लेंथ हो गया। और हम लोग ईएमएफ देखते थे डी फाइव बाई डी टी, डी बी ए बाई डी टी, एरिया लिख रहे हैं बी तो फिक्स है डी ए बाई डी टी, एरिया कैसे लिखेंगे? तो यहां जो एंगल है हाफ इंटू ट्रायंगल की तरह देखो आर्क लेंथ एल डेल्टा थीटा इंटू एल और बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय टू। तो यदि रॉड रोटेट कर रहा है तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय टू उस रॉड के किनारों के बीच का ईएमएफ आया। लेकिन इस लफड़ा में पढ़ने की सलाह मैं नहीं देता, मैं कहता हूं आपको रोटेटिंग रॉड के लिए लिखना है ना ओपी के अक्रॉस ईएमएफ, तो ध्यान से देखो क्या लिखो, बी एल रॉड के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है, वी एवरेज, और वी एवरेज कहां से लाओगे? बी एल वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम बाई टू, बी एल वी मैक्सिमम ओमेगा एल मिनिमम जीरो बाई टू, क्या आ गया बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। तो आपने रॉड के इस किनारे का वेलोसिटी देखा v इक्वल्स टू ओमेगा l और इस किनारे का देखा v इक्वल्स टू जीरो, दोनों का जो एवरेज आया वो ओमेगा l प्लस जीरो बाई टू। अब इसमें हायर पोटेंशियल किधर होगा? तो फिर से देखिए v क्रॉस b और ध्यान से देखिए माइनस q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रेडियली आउटवर्ड p की तरफ,
ये वी क्रॉस बी, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ की तरफ, तो ये छोटी डंडी और ये बड़ी डंडी बन जाएगा बैटरी का, रोटेटिंग रॉड जो बैटरी में बदलेगा, उसका ईएमएफ कितना हो गया, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2, ओ की तरफ लोअर पोटेंशियल, वी की तरफ उंगलियों को रखो प्लेन करके हाथ के, और हथेली या तो आउटवर्ड दिखाओगे या इनवर्ड, यदि इनवर्ड दिखाओगे तो मोड़ने के लिए इनवर्ड मुझे जाना पड़ता, लेकिन मैग्नेटिक लाइन किधर है, आउटवर्ड, हथेली को ऊपर बाहर की तरफ दिखाओ, और अब फिंगर्स को कर्ल करो वी से ओमेगा की तरफ, तो ये थंब किधर आ रहा है, पी की तरफ, वी क्रॉस बी करो ना, वी क्रॉस ऊपर की तरफ बी, वी क्रॉस बी, और उसको माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो, तो ये पी की तरफ हायर पोटेंशियल, ओ की तरफ लोअर पोटेंशियल, क्योंकि पी की तरफ चला आया है इलेक्ट्रॉन, पी से ओ की तरफ चला आया है इलेक्ट्रॉन माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करने पे। अरे दिखा रहे थे, अब यहां मुझे बताओ कि यदि ऐसे कहा जाता कि रॉड जो है एल ये मैग्नेटिक फील्ड में तो है और इसको हम घूमता भी दिख रहे हैं, केवल आपसे ये कहा गया कि इस एल रॉड के जो घूमना है उसे ध्यान रखो किनारे आउटवर्ड आउटसाइड में जो है एल बाई फोर टुकड़ा, उस एम एन के बीच का ईएमएफ बताओ, तो ध्यान से देखना जो मेरा रास्ता है उसे फॉलो करो, ईएमएफ जो एम एन होगा ये हो जाएगा बी एल एम एन वी एम एन एवरेज, बी एल बाय फोर ओमेगा थ्री एल बाय फोर प्लस ओमेगा एल बाय टू। सर ये कैसे देखा आपने, अरे यार ओमेगा एल यहां देखो ओमेगा थ्री एल बाय फोर, उनका एवरेज करो, सर वो थ्री एल बाय फोर कहां से ले आए, हाँ मुझे पता है ना एल माइनस एल बाय फोर थ्री एल बाय फोर होता है इसलिए ले आए, और वी जो होता था वो ओमेगा आर होता था, वी होता था ओमेगा आर, इसीलिए यहाँ क्या दिख रहा है ओमेगा थ्री एल बाय फोर, अगले वाले किनारे का एन वाले का ओमेगा एल, उनका सम करो टू से डिवाइड करो एवरेज आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया सेवन बाय अच्छा बत्तीस, सेवन बाय थर्टी टू बी एल स्क्वायर ओमेगा। वृंदा ये समझ में आया, वेदांत ये, कृष्णा ये, सर आ गया, आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ हम ऐसे नहीं कर सकते सर, मत करो, यही सबसे आसान रास्ता है, इससे क्या फायदा मिलता है, आप किसी भी सेक्शन का तुरंत लिख लोगे, ठीक है, ये पूरा निकालूंगा फिर उसमें से ये घटाऊंगा वो घटाऊंगा, तो ज्यादा अकल लगाने को मैं मना करता हूँ, पहले देखो घास कटा या नहीं एक काम, और दूसरा बीएलवी से काम चला, ज्यादा अकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक सर। हमने अभी जो देखा इसमें खास क्या था कि हमने बैटरी बनते देखा, और यदि बैटरी बनते देखा तो ये दो रेल हैं, रेल मतलब मेटल के जिसपे, रेल माने रेलगाड़ी का डब्बा मत समझना, रेल माने रेल की पटरियां, तो दो पटरियां हैं, बीच में ये रेजिस्टेंस है, और ये पटरियों को देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी वहां मौजूद है, वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं, इस दोनों रेल के ऊपर रख दिया मेटल का एक रॉड, और इस रॉड को दे दी स्पीड वी, और रेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है अपना, रॉड का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है अपना, आपको बताना है कि यहाँ करंट होगा तो कितना होगा करंट, ये रॉड का रेजिस्टेंस जीरो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जीरो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जीरो, ये स्मूथ रेल, आईएलबी बाय आर स्मूथ रेल। अभी फिलहाल मुझे ये बताओ आप लोग कि यहाँ पर क्या कोई बैटरी बनेगा, बनेगा सर बनेगा, तो यदि बैटरी बनेगा तो वो जो बैटरी है वो बैटरी पहले देख लो उसका हायर पोटेंशियल किधर होगा, तो नीचे की तरफ क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ये देखना आया नीचे, और माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करो तो आया ऊपर, तो ऊपर आएगा निगेटिव टर्मिनल,
छोटी डंडी और नीचे बड़ी डंडी। और अब आपको जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ जो करंट दिख रहा है उसका डायरेक्शन भी दिखने लगा। और ये आई का जो वैल्यू लिखते हैं वो ई बाई आर, ई एम एफ कितना हो जाता, ई एम एफ हो गया बी एल वी बाई आर। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कर लेते, इतना सा अंतर होता। रेल में भी रेजिस्टेंस रहता तो पर यूनिट लेंथ दिया गया रहता, लेंथ निकालते और फिर उनको इकट्ठा कर लेते। और करंट का डायरेक्शन देखने का एक तरीका और हो सकता है। लेंज लॉ क्या कहता है, जो लूप है उसके एरिया बड़ा होने से उसके भीतर से गुजरने वाले नंबर ऑफ लाइन बढ़ रहे हैं, तो उनको कम करना है आपको, इनवर्ड जनरेट करना है। इनवर्ड के लिए करंट कैसा होगा लूप में, क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन आप उस हिसाब से भी देख सकते थे कि क्लॉकवाइज करंट लूप में होगा जिससे इनवर्ड। यहां पर कहानी में हल्का सा अंतर ये हम कर सकते हैं कि यही रेल हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया जाए, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में मैं उसी के नीचे देख रहा हूं, ये एल लेंथ का रॉड, ये वी स्पीड से जा रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देख लिया और इसमें आपको बताना था करंट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर कहा गया। तो आप जब यहाँ बैटरी देखोगे तो बैटरी देखोगे तो ऐसे देखोगे, यहाँ पर रॉड के बदले आप एक बैटरी बनता देखोगे, रॉड के बदले एक बैटरी बनता देखोगे, इसका ईएमएफ लिखोगे बीएलवी और साथ में आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और तब जो करंट का वैल्यू देखेंगे, तब जो करंट का वैल्यू देखेंगे वो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई बाई आर प्लस आर, ई बाई आर प्लस आर, यदि रॉड का रेजिस्टेंस दे दिया तो। इसी जगह एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि यदि ऐसा होता कि यहां पर R और दूसरी तरफ, इधर एक तरफ R1 और दूसरी तरफ R2 रहता और बीच में ये कहीं ये रख कर L लेंथ के रॉड को चलता देखते, ये मैग्नेटिक फील्ड भी दिख रहा है आउटवर्ड। अब यहां पर मैं यदि करंट की बात करूं तो एक R1 से गुजरेगा करंट और एक R2 से गुजरेगा करंट, तो ये I1 और I2 के लिए देखना कि I1 का वैल्यू क्या, I1 का वैल्यू क्या होगा, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा E by R1 और I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E by R2, तो VLV by R1 और I2 क्या हो जाएगा, उसी तरह E by R2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां हमने ये मान लिया है कि बीच वाला जो रॉड है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं दिया गया है हमें, तब पैरेलल हो गए मतलब सर। अब हाँ पैरेलल में हो गए क्योंकि एक ही जैसा पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों के लिए, वही जो रॉड। और यहाँ पर ये लफड़ा थोड़ा बढ़ जाता है कि I1 I2 जब आपसे पूछ दे और ये भी कह दे कि इस रॉड का रेजिस्टेंस है R, तब कहानी क्या बनेगा उस पे काम करो, तब कहानी क्या बनेगा उस पे काम करो। I1 I2 कैसे बताओगे, छोड़ो I1 I2, पहले तो I बताओ कि रॉड से निकलने वाला क्या होगा। तो इस जगह ध्यान से देखिए, ये R1 और R2 आपस में पैरेलल में कहलाएंगे, तो जो I का वैल्यू आप लिखेंगे डायरेक्ट देखिए, EMF by R1 R2 upon R1 plus R2 plus R, और EMF के बदले क्या लिख देते आप, B L V। और अब यदि करंट I को रेशियो में बांटते तो पैरेलल में किस रेशियो में बांटते हैं, इनवर्स रेशियो, तो I1 equals to हो जाता R2 upon R1 plus R2 into I, और I2 equals to हो जाता R1 upon R1 plus R2 into I। Yes, sir. तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक करंट को रिवाइज करवाना शुरू कर दिया हमने। तो आप जब किसी रॉड को चलता देखते हैं तो रॉड से एक बैटरी बन जाता है और फिर उसके बाद डीसी सर्किट में आप पहुंच गए,
किसी सर्किट का काम यहां कर सकते हैं आप। एक आइडिया इसी के एक्सटेंशन में हम ले रहे हैं कि एक वायर का रिंग है, यहां मैग्नेटिक फील्ड भी देख लो और आउटवर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर के सेंटर और किनारे को जोड़ते हैं एक रॉड से, रॉड का लेंथ ये आर यदि कह देंगे तो थोड़ा परेशानी है, ये एल, और ये रॉड जो है ये स्लाइड कर रहा है, ये रॉड, रॉड के कलर को मैं बदल देता हूं, रॉड को देखो ये स्लाइड कर रहा है, ओमेगा से घुमाया जा रहा है। अब इसके हायर और लोअर पोटेंशियल देखते हैं वी क्रॉस बी वाला आइडिया से, वी क्रॉस बी और माइनस क्यू, इधर छोटी डंडी और इधर बड़ी डंडी, ये माइनस, और इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर। मैंने क्या किया, एक वायर लेकर के, एक वायर लेकर के उससे आर रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया सेंटर और किनारे के अबाउट, सेंटर और किनारे के अबाउट ये आर रेजिस्टेंस को, एक किनारा सेंटर पे जुड़ा है और एक 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 पैरामीटर पे किसी पॉइंट पे जोड़ दिया, और ये जो सर्किल है ये सर्किल मेटालिक है, मेटालिक वायर का ये सर्किल है। अब मुझे बताओ इस जगह जो करंट का वैल्यू मैं लिखूंगा किस किनारे से किस किनारे की तरफ, तो बड़ी डंडी से निकलेगा और छोटी डंडी की तरफ बैटरी में पहुंचेगा, इस करंट का वैल्यू क्या होगा, ईएमएफ बाय आर प्लस आर, और ईएमएफ क्या देखते थे, बीएल स्क्वायर ओमेगा बाय 2 अपॉन आर प्लस आर। अच्छा ये एक कंसेप्ट और मैं आपको याद दिला दूं, एक कंसेप्ट मैं याद दिला दूं कि यदि हमारे पास दो बैटरी होते, यहां देखना 10 वोल्ट का थ्री ओम का और दूसरा बैटरी होता 8 वोल्ट का 6 ओम का, और मुझसे कोई कहता कि इस 18 ओम के रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट बताओ, तो इन दोनों बैटरी के हम इफेक्टिव के बारे में बात कर सकते हैं, इन दोनों बैटरी के बदले एक बैटरी हम बना लेते हैं और उसके ई और आर के बारे में बात करते हैं, और यहां फॉर्मूला यूज होता है ये 13/18 सर, सेल आर इन पैरेलल, ध्यान दीजिएगा ये हो जाता है, मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट्स हो, E1 by R1, E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2, ऐसे 2, 3, 4, 5 जितने भी बैटरी है पैरेलल में, और E और 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2। तो आप नया वाला ईएमएफ निकाल लेते हैं, नया वाला आर निकाल लेते हैं, और फिर करंट के बारे में बात कर लेते हैं। यदि ऐसा हुआ कि सारे बैटरी का ईएमएफ एक जैसा हुआ, E1, E2, E3, E4 बराबर हुए किसी कारण से,
तो ई कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू, नीचे वाले 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यदि सारे बैटरी का जो पैरेलल में है ईएमएफ एक जैसा होगा तो इफेक्टिव ईएमएफ उतना ही आ जाएगा, एक पॉइंट। और इंटरनल रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में उनका इफेक्टिव वैल्यू पैरेलल वाला निकाल लो, वो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का हो जाएगा। यदि कभी पोलैरिटी अलग हुआ, मान लो E1 और E2 दोनों के प्लस एक तरफ नहीं हुए, माइनस कर देंगे सर, तो E2 वाले का प्लस लिखने के बजाय यदि उसका माइनस है तो माइनस नोट कर लेंगे इस इक्वेशन में। नीचे में जैसे 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल ऊपर में ये होगा E2 के बदले माइनस E2 लिख देंगे। ठीक है सर। अब एक पॉइंट और सर, कि यदि सारे के सारे रॉड एक जैसे ईएमएफ के हों और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यदि है ही नहीं, सारे रॉड एक जैसे हैं, तो ईएमएफ हमें वो वही मिलेगा जो किसी एक का है। तो होता क्या है कि क्वेश्चन में जो अभी आपने एक रॉड को रोटेट करते देखा के बदले चेंज करके कह दिया जाता है कि रोटेटिंग डिस्क मेटालिक डिस्क है, रोटेटिंग मेटालिक डिस्क कह देता है इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि यहां रोटेटिंग मैग्नेटिक, रोटेटिंग डिस्क दिख रहा है मेटालिक मैग्नेटिक फील्ड में, और अब ये सेंटर को आप यदि किनारे से अटैच कर देते, तो यहां पर इसको देखो ये मेटालिक रिंग जो डिस्क जो बना है उसमें बहुत से रॉड हैं या नहीं, जैसे साइकिल के स्पोक्स दिखते हैं वैसे, और वो दूर दूर नहीं, अगल बगल तुम कर दे जमा कर दो तो बन जाएगा डिस्क। तो ये तो बहुत से हो गए रॉड से बना है ये डिस्क, और हर एक रॉड एक बैटरी के जैसा बिहेव करने वाला है, जिसका ईएमएफ हम जानते हैं बीएल स्क्वायर ओमेगा बाई टू, और ये सारे आपस में क्या होंगे पैरेलल में, और सारे आपस में पैरेलल में होंगे तो जो करंट हमें मिलेगा वो केवल एक ईएमएफ लेंगे, और ऐसे बहुत से बैटरी होने के बावजूद भी, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे आर से, तो हमें करंट जो मिलेगा इस डिस्क में भी वही मिलेगा जो वो एक रॉड को हमने घूमते देखा था, इस डिस्क में भी वही करंट आ जाएगा जो आपने देखा था बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू आर, इन अलग अलग रॉड। और सारे रॉड का मैंने ये कहा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में अभी कोई चर्चा की ही नहीं। और वैसे भी यदि वो इनफाइनाइट होते, एक एक का रेजिस्टेंस आर नॉट होता तो इफेक्टिव हो जाता आर नॉट बाई इनफाइनाइट, तो भी वो जीरो हो जाता। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के हम चर्चा इसीलिए यहां नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया, तो डिस्क होने पर सोचने का रास्ता नहीं मिलता कि डिस्क में क्या करें, बैटरी कहां देखें। तो डिस्क को देखो बहुत से रेडियस वाले रॉड से मिलके बना हुआ, और हर एक रेडियस एक बैटरी, और वो सारे बैटरी आपस में पैरेलल, इफेक्टिव एक बैटरी का जैसा ही हमें, और उसको आर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें करेंट मिल जा रहा है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय सर, बाय बाय।